नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए ये खबर। धार जिले के अमझेरा थाना अंतर्गत कबाड़ कुआं का मामला। मृतक राजाराम पिता सीताराम कबाड़ कुआं से अमझेरा भगोरिया हाट बाजार करने आया था। हाट कर वापस जाते समय चालनी के पास आरोपी सीताराम पिता सक्रिय और महेश पिता सीताराम और मनीष तीनों ने मिलकर राजाराम सक्रिय को लच्छ लोहंगी से हमला कर राजाराम की हत्या कर दी और मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। आरोपी घटना दिनांक से ही फरार हो गए थे। आरोपी सीताराम को ग्राम भूतिया थाना तांडा से गिरफ्तार किया गया और आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई एक लोहंगी भी जब्त की गई है और मुलजिम से पूछताछ की गई है तो उसने जमीनी विवाद को लेकर हत्या करना कबूल किया है। दो मुलजिम महेश और मनीष अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अमझेरा से राजकुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। की बात को लेकर भगोरिया हाट करके वापस सभी आरोपियों ने फरियादी वापस घर जा रहे थे कि ग्राम चालनी में आरोपी सीताराम जो कि मृतक राजाराम का छोटा भाई है, इन्हें उसके लड़के महेश और मनीष ने मिलकर राजाराम की लोहांगी से सिर में मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद में मोटरसाइकिल से तीनों बाप बेटे भाग गए। अभी तक तलाश करते आरोपियों ग्राम जामदा भुतिया में छिपे रहे। फरियादी संजय पिता राजाराम की रिपोर्ट पर धारा 341, 294, 506, 323, 302 का मामला पंजीबद्ध कर माल मुलजिम की पता राशि की गई। उक्त